हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज जैसे कि आपको पता है कि हर सैटरडे मैं एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आता हूं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कुछ ऐसा है जो आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा। तो ये ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये आपके गाड़ी या बाइक या फिर एक कार के हॉर्न का है, ठीक है। तो दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें अपनी जो गाड़ी का हॉर्न है वो पसंद नहीं आता, या फिर थोड़ा सा एक लाउड चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने मेरी गाड़ी, मतलब जो सेंट्रो है उसका हॉर्न, जो स्टॉक हॉर्न है, वो मैंने कैसे अपग्रेड किया बॉश के हॉर्न के साथ। जी हाँ, चलिए तो फिर बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं पूरी वीडियो। तो दोस्तों, ये मेरी सेंट्रो है 2005 की, और देखते हैं कि उस टाइम पे इसमें कैसा हॉर्न था। तो ये दोस्तों जो है स्टॉक हॉर्न है, तो अब हम इसको चेंज करेंगे हमारे बॉश के हॉर्न से और देखते हैं कि उसका साउंड फिर कैसा आएगा। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बॉश का हॉर्न है, ये लिए हुए मुझे अभी एक साल हो गया है, और ये स्कॉडा की सभी गाड़ियों में यूज़ होता है, और ये एक सिंगल नहीं आता है, ये कभी भी डबल आता है। तो फिर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप अपनी गाड़ी में कैसे चेंज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ गाड़ियों में लगता है, ये आपकी जितनी भी कार्स है जहाँ पर भी ड्यूल हॉर्न यूज़ होता है वहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चेंज करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें लगेगी, जो एक है WD-40, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रस्ट निकालने के लिए काम आता है, या फिर काफ़ी टाइम बाद आप अगर कुछ चीज़ ओपन कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। और एक मेरे पास ये एक यूनिवर्सल पाना है, या फिर स्पैनर बोल सकते हैं इसको। तो वैसे तो आपको 10 का लगेगा, बट ये यूनिवर्सल है तो मैं आपको बता देता हूँ इस पर कि ये कैसे काम करेगा। और आपको अगर वो यूज़ करना है तो सभी हॉर्न्स के लिए 10 का स्पैनर आपको लगेगा। चलिए फिर दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना हॉर्न कैसे चेंज कर सकते हैं। पहले हम बोनेट ओपन कर लेंगे, और सभी गाड़ियों में, मतलब ये जो जोन है, रेडिएटर वाला जोन है, या फिर जो फ्रंट ग्रिल है, हम लोग देख सकते हैं कि सभी जो हॉर्न के माउंटिंग्स रहते हैं वो यहीं पे कहीं पे रहेंगे। तो अभी जैसे आप ये सेंट्रो का देख सकते हो कि ये एक यहाँ पर एक हॉर्न है, और एक जो हॉर्न है वो यहाँ पर है। तो इसमें आपको करना ये होगा कि एक आपका फ्रंट ग्रिल का अगर माउंटिंग हो तो फिर आपको वो लूज़ करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है, क्योंकि ये एक्सेस करने के लिए मुझे ये निकालना ही पड़ेगा। तो सिमिलरली आप दूसरे साइड पे भी देखोगे तो वहाँ पे भी मेरे को ये हॉर्न निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये हॉर्न अपन कैसे निकाल सकते हैं और कैसे हम लोग अभी नया बॉश का हॉर्न लगाएंगे। तो जैसे मैंने आपके वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारे पास WD-40 है, तो होता क्या है कि काफ़ी बार हमारी गाड़ी, अभी ये जो नट है वो कभी खोलने में नहीं आता है, इसकी वजह से क्या होता है, गाड़ी जितनी पुरानी होती है उस वजह से रस्टिंग हो सकता है, तो वो इजीली निकले इस चीज़ के लिए हम लोग WD-40 यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हम लोग इसके ऊपर स्प्रे करेंगे ताकि वो ईजिली निकल जाए। ये जो, तो दोस्तों ये जो WD-40 है, इसके और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस है जो हम लोग एक कार में यूज़ कर सकते हैं या फिर एक बाइक में यूज़ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं लेटर ऑन एक वीडियो बनाऊंगा। बट आज के लिए हम देखते हैं कि अभी हॉर्न कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया, मतलब अभी एक्सेस करने के लिए मुझे इजी जाएगा, क्योंकि पहले आप देख सकते थे कि जहाँ पे, यहाँ पर अभी हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम इसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए मुझे ये खोलना पड़ा। बट काफ़ी शायद केसेस में ऐसा नहीं भी होगा, क्योंकि ये जो अभी जितने भी सेंट्रोज है, मैं सिर्फ उसी का बता रहा हूँ कि यहाँ पर ही आपको रिमूव करना पड़ सकता है। तो सिमिलरली हम लोग इसको भी ओपन करेंगे। तो ये जो यूनिवर्सल स्पैनर है, उसका एडवांटेज एक्चुअली यही है कि फिर हमको काफ़ी सारे स्पैनर्स एक साथ लेके नहीं चलने पड़ सकते, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्पैनर्स के साइज़ दिए हुए हैं। तो एक यूनिवर्सल कभी भी मैं यही प्रीफर करूँगा आपको भी। तो हमने ये निकाल लिया है सेंट्रो का जो स्टॉक हॉर्न है, आप देख सकते हो कि ये हेला का हॉर्न है, तो हेला भी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है हॉर्न की। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसे दो टर्मिनल्स मिलेंगे, आपको करना क्या है कि आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बटन दिया है, तो वो पुश करना है और ये इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, आप घर पे भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं होता है कि यार एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आप कोई भी टर्मिनल किसी में भी लगा सकते हैं और आपका हॉर्न चल सकता है, ठीक है। तो मैं अभी वापस से, यहाँ पे भी रस्ट होने का चांस है या फिर एक लूज़ कनेक्शन हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी WD-40 का यूज़ करूँगा।
तो देख सकते हो आप ऐसे काफ़ी सारे एडवांटेजेस है WD-40 गाड़ी में रखने के लिए। और हम लोग करेंगे क्या कि हमारा जो बॉश का हॉर्न है वो इसमें इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी दो टर्मिनल्स है, तो ये जो दोनों टर्मिनल्स है वो हम लगा देंगे। मैं ये वाला यूज़ करता हूँ इस चीज़ के लिए, ये वाला यहाँ पे। तो ये दोनों हमने अटैच कर लिया। अभी वापस इसका माउंटिंग जो है वो हम लोग यहीं पर दे देंगे, जो कि हमारा पुराना माउंटिंग था। तो ज़्यादा कुछ हमें इसमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें रिप्लेस करना है। और जो पहले वाला स्क्रू है इसमें दिक्कत आपको यही आ सकती है कि थोड़ा सा होल्ड करना पड़ सकता है, और इसको मैंने लगा दिया। तो वापस से जो जो स्क्रूज़ हमने निकाले थे पहले से, तो वो वापस से हम लगा देंगे। तो ये जो एक साइड का हॉर्न है वो हमने असेंबल कर लिया, और हम लोग सेम करेंगे सेकेंड हॉर्न के लिए, जो मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे जो हमने किया है वही हमें वहाँ पे यूज़ करना है। तो फिर अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये हॉर्न कैसे वर्क करता है। तो ये जो हॉर्न है मैंने अमेजोन से बाई किया था, 550 रुपीज़ एक साल पहले इसकी प्राइस थी। तो इसका जो लिंक है अमेजोन का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, और आपको अगर लेना है ये हॉर्न तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको एक हॉर्न के लिए बताया, वैसे ही आप दूसरे हॉर्न के लिए भी कर सकते हैं। मैं दूसरे हॉर्न के लिए भी बता सकता था, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता था क्योंकि प्रोसीजर तो वही था। तो नेक्स्ट सैटरडे हम वापस मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और आपको इसके रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।